हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? आ जाइए, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर हम मिल रहे हैं अपनी मैथ की क्लास को करेंगे। और आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छी है। वैसे इंटरेस्टिंग तो मेरी सभी क्लास फ़िलहाल के लिए होती है, लेकिन ये क्लास आपके डाउट पे है। डाउट का मतलब ये है कि आपने मुझे कहा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हुए थे, और शायद क्रिस्टिन नाम से कोई है, क्रिस्टिन नाम से कोई गर्ल है आई थिंक, उन्होंने ये चीज़ कही है और एक दो बच्चों ने और कहा है। सो मैंने ये वीडियो इसीलिए तुरंत तत्काल में ही बनाया। और आप लोग के अच्छी बात है कि आप लोग के वो क्वेश्चंस आए कि ये टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो मैंने वो चीज़ तुरंत इसीलिए की कि आप लोग भी ये चीज़ खुद देखें कि आपने जो चीज़ें कही हैं मैं उसे पूरा करने का प्रयास नेक्स्ट डे ही करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान का नाम लीजिए, अपने अपने भगवान का लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और अच्छे से जितना बढ़िया रहेगा, पूजा पाठ पद्धति व्यायाम और पढ़ाई, ये काम आपके लिए है और ये आप करते रहिए, आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मैथ के फॉर्मूलाज, ठीक है। मैथ के वो फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं जिनसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, फॉर्मूले वाले भी बने हुए हैं, और आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी अराइज करके आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी मिले हुए हैं जो कि आए हुए हैं। तो पहले आप लोगों को ये फॉर्मूले मैंने वैसे भी आपको कई बार टेलीग्राम पर भी दिया, शॉर्ट वीडियोज़ में भी डाला, लेकिन आज मैं यहाँ पर एक बार उस पर आपको पूरी नज़र आपको दिखाऊंगी कि आप ये चीज़ वहाँ पर देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिखने के लिए परेशान नहीं हुई, समझने के लिए पढ़ने के लिए ज़्यादा परेशान हुआ कर, रटना और लिखना दोनों से थोड़ा दूर रख। लिखना इतना है कि सिर्फ आपको कम समय में जो चीज़ें रहती वो एग्ज़ाम में आप लिखवा, बाकी आपको लिखने में बहुत फोकस नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है और हम पढ़ते पढ़ते कर ले जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इस फॉर्मूले में क्या क्या बातें हैं, वो फुल डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा का जो एक सेक्शन है, आपके के अलजेब्रा से प्रश्न बना हुआ है, बिल्कुल टॉपिक है आपके सीआरटी के सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ये अलजेब्रा में देखिए सूत्र बहुत सारे हैं, हर एक लेवल के, हर एक एग्ज़ाम के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पे, लेकिन हमारे में जो है वो बहुत बेसिक से छोटे वाले ही हैं। तो जो मेन मेन पूछे जा रहे हैं, जो हम पढ़ते आए हैं, हमारा रिवीजन जो हो रहा है, हमको उन्हीं के बारे में सिर्फ देखना है, तो हम सिर्फ उतना ही लिए हैं और उतना ही आपको बताएंगे। तो ये बीजगणित के सूत्र यानी कि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले हैं 3-4 जो हमें अक्सर बनते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ मैंने यही इतना लिया, इससे ज़्यादा आपके अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। बहुत रेयर केस में है कि कोई आता है तो आता है, तो सारे आपके अलजेब्रा के जो सेक्शन के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे। तो पहला जो सूत्र है, अगर हम पहले सूत्र की बात करते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिले होंगे, बहुत अदर एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आप बहुत सारे अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसके उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से सिंपल तरीके समझने का प्रयास करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। दूसरा जो सूत्र है वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम ऐसे भी पढ़ते हैं और ऐसे भी सॉल्व करते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो याद करके और उस तरीके से इनका प्रयोग करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इन सब के दो दो सूत्र होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यही मिले और आप सोचो जैसे आपको टिक करने को आ गया कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया और आप 3-4 वहाँ पर टिक करो, तो आपको ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ये पहले से प्री डिफाइन है, तो इसके लिए आपको कोई इफ बट नहीं करना और दोनों को आपको ध्यान रखना। लेकिन मेनली हमें जो है ऐसे ही करके कर लेते हैं क्योंकि वो हमें याद करने में भी ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ कंडीशंस अलग होती है जहाँ पर हमको इस तरीके से सॉल्व करना नेसेसरी भी हो जाता है। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में a² + b² 2ab 2 ब्रैकेट में a² + b² सिंपल।
नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? तो आप लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि बहुत पूछा जाता है। इसके बेसिस से बहुत सारे प्रश्न आपको अदर अदर जो चैप्टर्स हैं उनमें जाके ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी प्लस सी ए। तो ये सूत्र है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी ही तुरंत ही आप देख लीजिए। तो सबसे पहले प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्लियर। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये पूरा यहाँ पर आप तीन तीन छः कह रहे छः फार्मूला ऐसे हैं, छः फार्मूला आपके जो है अलजेब्रा के हैं जो आपसे क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट अगर बात करते हैं तो वो है छयमिति का, क्षेत्रमिति का, जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं इंग्लिश की भाषा में, कि मेंसुरेशन के सेक्शन के जो फार्मूलाज हैं फार्मूला है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, ठीक, ध्यान रखना। दूसरा एक सूत्र से क्वेश्चन बनता है त्रिभुज का परिमाप। तो आप बताएंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है तो आप उसमें वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, बेस का मतलब आधार होता है, हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, बेस को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ऊंचाई को हाइट से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमें त्रिभुज का परिमाप फाइंड करने के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम वहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल ए बाई वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर उस जगह हमें उसी ट्रायंगल का हमको साइड दिया और परिमाप निकालने को कह रहा है तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? तीनों भुजाओं के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। क्या करेंगे? थ्रम सम ऑफ थ्री ऑल द साइड्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है तो कई अलग अलग तरीके से आपको पूछता है सिचुएशन के हिसाब से। तो एक कंडीशन आपकी ये भी होती है जहाँ पर हम अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, जिसको हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, इसको भी प्रयोग करके हम यूज़ करते हैं इन अपने क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, त्रिभुज के प्रकार और उनके क्षेत्र। जब हम त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो त्रिभुज के जितने प्रकार हैं और जो क्षेत्रफल वगैरह है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? तो सबसे पहला जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है, आप इससे क्या समझते हैं, ये क्या है ये जानते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वह समद्विबाहु होता है, इसलिए इसमें द्व लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में द्व प्रथम द्वितीय ऐसा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि नाम में ही द्व है, यानी कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको यह आएगा 100% आएगा कि वह त्रिभुज की दो जिसको वह त्रिभुज की दो भुजाएं जिसे बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तब आपको ये टिक करने को आएगा कि वो समद्विबाहु कहलाता है। कभी आपको समद्विबाहु की परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, इस बात से एकदम अलग रहिए कि परिभाषा मैथ में लिखने को बहुत कम आएगी। आपको पूछा जाएगा इस परिभाषा के बेस पर कि ये कौन सा त्रिभुज है। जैसे एंगल में एंगल बता दे तो एंगल का नाम पूछे या नाम बता के एंगल का मान पूछे, इस तरीके से कन्वर्ट करके आपको क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। समद्विबाहु त्रिभुज के जो ये बारे में था वो मैंने बताया, अब इसका आप देख लो क्षेत्रफल। तो कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ए इज इक्वल टू अंडर रूट फोर बी अपॉन अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ये अपॉन का साइन लगा हुआ है। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बटा चार बाई बी अंडर रूट फोर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी पूछा गया इनसे प्रश्न, सामान्यता तो नहीं आया है लेकिन पूछा गया है। अगर परिमाप निकालना हो तो 2a प्लस बी, ठीक है, दोनों a और b क्या है, भुजाएं हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक का क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? चलिए क्लास को फटाफट लाइक करिए ईच एंड एवरीवन। अब मैथ के फॉर्मूले की क्लास है और आपके कहने के ऊपर है तो लाइक तो बनता है ईच एंड एवरीवन। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है चलिए फटाफट करिए, ताकि मैं सेम एनर्जी के लेवल को मेंटेन करके कल किसी और का जो डाउट है वो भी क्लियर करने के लिए आऊँ और पूरा क्लियर करके उसको मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँ। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने देख लिया एक यहाँ पर, बाकी हमें शेष और भी चीज़ों को जानना है और आपसे डिस्कस करना है।
दूसरा क्या है, सुषम बाहु तो इसको कहते हैं स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल लिखा हुआ है लेकिन क्या है स्केल एंड ट्राइंगल। सम बाहु त्रिभुज एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आसमान होती है। ये एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिनकी जो भुजाएं होती है वो कभी समान होती ही नहीं, उनको समान करना पड़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो भुजाएं समान नहीं होती हैं एक दूसरे के। चलिए फ्रेंड्स फिर इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वैसे आपको मैंने पढ़ाते वक्त तो बताया ही था, रिमेम्बर होगा सभी को, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्राइंगल। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है, एक इस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसे भी आप जानते हैं ट्राइंगल तीन भुजाओं से बनता है और तीनों साइड जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, वो समान नहीं होती हैं। अब इनके भी कुछ सूत्र हैं, उनके भी सूत्र देख लेते हैं। तो पहला सूत्र है आपका विषम बाहु त्रिभुज से का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर ए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया, साइड वगैरह दी गई है, तो हम इस तरीके से इनका निकालते हैं। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं इस तरीके से ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान रखिएगा क्योंकि सारे मतलब सूत्र कई सारे होते हैं, वो सिचुएशन अलग होती है और वहाँ पर हमें आकलन करना रहता है कि हम क्या, जैसे पाई की वैल्यू होती है तो पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, तो कहीं कहीं हमें ये रखना होता है, कहीं पर हमको 3.14 रखना होता, तो हम वहाँ पर देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सुटेबल होगा, कैसे हमारा आंसर आएगा या कट जाएगी चीज़ें। अगर हमको सेमी सर्कल अर्ध परिधि वगैरह कुछ बतानी है, ट्राइंगल दिया गया कभी साहब, देखो बहुत सारे आपको सवाल दिए रहते हैं जो सर्कल के अंदर वगैरह समथिंग रहते हैं, तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तीनों साइडें हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होती हैं जिसका प्रत्येक का कोण जो होता है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि 60 को बोल रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ये थोड़ा सा एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया, 60 का आंस नहीं होता है आपका 90 डिग्री का होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो है ना, ये 60 जो है उसको 90 आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अब इनके सूत्र पे आते हैं, तो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की, कि इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, तो सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ए अंडर रूट ए इंटू भुजा, ध्यान रखना आता है और करवाया भी एक दो बार मैंने है। नेक्स्ट कर्ण की अगर बात कर लेते हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज के कर्ण का, तो रूट टू इंटू भुजा, रूट टू इंटू भुजा, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा लगाया है मैंने, लगवाया और आते हैं कुछ कुछ प्रश्न, कभी कभी नहीं आते हैं तो सूत्र आते हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रिपेयर हैं, कैसे बनेगा क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये क्या है, ये एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं आपस में, सभी भुजाएं बराबर हैं, जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं। अब वो क्या है, देखो समबाहु त्रिभुज की जब बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, पहला सूत्र जो कि बहुत बार इसके सवाल मैंने आपको लगवाए हैं और बताया है क्लियरली। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब अगर निकालना है, तो √3/4 इंटू भुजा। आगे चलिए अगर परिमाप निकालना है हमको, तो 3 इंटू भुजा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सूत्र हमेशा आपको मिलेंगे, जिससे कि आपके सवाल आएंगे और आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। आगे चलिए बात कर लेते हैं आयत की। आयत से तो आप फिलहाल जानते हैं चीज़ें, देखते हैं फिलहाल जो सारे क्वेश्चन देख ही रहे हैं, तो इसमें भी रेक्टेंगल क्या होता है, एक आयत को एक समान चतुर्भुज के रूप में भी हम परिभाषित कर सकते हैं और किया जाता है, जिसमें विपरीत पक्ष समान होते हैं और समांतर होते हैं। आयत के प्रत्येक आयत को एक वर्ग भी कहा जाता है, यदि इसके सभी पक्ष आपस के समान की लंबाई समान हो और एक आयत में आमने सामने की जो भुजाएं जो होता है, आमने सामने की साइडें दी होती हैं, वो लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये आयत के बारे में छोटी सी बात है, जो कि परिभाषा लिखने का तो कभी नहीं आएगी, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे हमें ट्रू फॉल्स टाइप के या टिक करने के टाइप के ऐसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं, तो आयत एक चतुर्भुज के समान है, ठीक है, परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं कि विपरीत पक्ष एक दूसरे के समांतर या समान है, उसके बाद प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, ये ध्यान रखना है। एक दूसरे विकर्ण जो होते हैं, डायगनल जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, ध्यान रखना। दोनों विकर्णों की जो लंबाई होती है वो समान होती है, पैरेलल होती है। ये इतनी बातें, इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको आयत के बारे में ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है।
अब इनके सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो आयत के सूत्र पर भी चलते हैं और उसके सूत्र से फटाफट देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हम जानते हैं। आयत का परिमाप हमको निकालना है तो 2 × L+B होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हमको चारों कमरे के, मतलब कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का हमको एरिया निकालना है तो 2 × L+B × height होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला। और आयत का अगर हमको विकर्ण निकालना है, अंडर रूट लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, ये लंबाई गुणे दो नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। चारों भुजाओं से घिरी आकृति वह बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है और चारों का जो कोण है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री के हों, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग जो है वो चतुर्भुज का एक भाग या एक अंश है। इसमें चारों कोण जो होते हैं, इसमें चार कोण होते हैं, इसमें चार शीर्ष होते हैं और चार भुजा होती है, ध्यान रखना। दो विकर्ण भी होते हैं और जो वर्ग की सबसे बड़ी भुजा होती है। विकर्ण जो होते हैं सब दो होते हैं वर्ग में, और ये जो वर्ग विकर्ण होते हैं ये सबसे बड़ी भुजा होती है वर्ग की। प्रत्येक जो कुछ योग होता है, प्रत्येक कोणों का जो योग होता है मिला तो 360 के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कोण समकोण होता है और उनका योग 360 होता है। विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाग होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो ये पॉइंट है, ये फीचर्स हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको कई सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल कर जाएंगी आपके क्वेश्चंस के। अब इन्हें देखते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, भुजा 4 × भुजा। वर्ग का विकर्ण, भुजा इंटू रूट टू। फिर यहाँ पर आपको भुजा सिर्फ निकालनी है, मतलब कि भुजा पता है तो आपको कभी कभी आपको देखो निकालने को आ जाता है, क्षेत्रफल वगैरह निकालना है तो 1/2 विकर्ण का गुणनफल, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाओ, सर्किल की बात है। सर्किल क्या होता है, तो वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु के हमेशा समदूरस्थ होता है, उसको हम वृत्त कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, परिभाषा लिखने को कभी नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। किसी निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को हम वृत्त कहते हैं। अब इसी वृत्त में परिधि भी होती है, वो क्या, उस वक्त रेखा की लंबाई जो उस पर्वत का निर्माण करती है सभी बिंदुओं के स्थिति के लिए समान होती है, वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या आर से इंडिकेट होती है, परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होगा। इनके बारे में कुछ बातें हैं वो देखते हैं। बातें जो थ्योरी टाइप, मतलब जो परिभाषा है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये जो की टर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, ध्यान रखना पहला पॉइंट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट स्थिति होती है, ये ध्यान रखना, जो क्रॉस करती है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा नहीं होती है। बाह बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं ही बाहर की साइड एक्सटीरियर से खींच सकते हैं। बराबर वृत्तों के दो चापों की लंबाई में वही अनुपात होगा जो उनके संगत केंद्रीय कोणों से होगा। तो कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई भी है, रिवीजन भी करा है, लेकिन ये फीचर्स थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। सारे तो नहीं आने वाले, लेकिन किसका आएगा किसका नहीं आएगा ये भी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो आप देख लीजिए जो भी चीज़ें आएंगी हम कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, πr². वृत्त का व्यास निकालना है तो 2r। वृत्त की परिधि निकालनी है तो हम 2πr लगाते हैं। और वृत्त की परिधि अगर हमको बतानी है, देखिए कहीं कहीं दो चीज़ें लगती हैं, ध्यान रखना। ये आपका ये डायमीटर का जो आपको व्यास रहता है, ये थोड़ा सा मत भूलना, πd भी लगता है, ठीक है, मेनली 2πr लगता है। घन की अगर बात कर लो तो क्यूब क्या होता है, तो घन एक त्रिआयामी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई समान होती है और लंबाई चौड़ाई में मान आपको दिया रहता है, इसे हम इसीलिए घन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट इनके बारे में है, तो घन के 6 फलक होते हैं और इन फलकों को घन का शीर्ष भी माना जाता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हर एक फलक की चारों भुजाएँ होती हैं, इनके चारों भीतर कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। तो आप अगर इसके क्वेश्चन लगाओगे तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालने को आएगा तो 6 × भुजा का स्क्वायर, जो कि ध्यान रखना घन के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 × भुजा का स्क्वायर। मेनली आपको ये दो देखने को मिलेगा, नहीं तो ये कभी कभी। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × भुजा का स्क्वायर। आगे बढ़िए, घनाभ की बात देख लो तो क्यूबॉइड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका सूत्र क्या होगा। घनाभ का हमको आयतन कभी कभी लीटर टंकी में पूछता है, तो L×B×h, ठीक है। घनाभ का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 × L+B×h। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 × LB+BH+HL, ध्यान रखना।
घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। घनाभ की अगर हमको ऊंचाई निकालनी, हाइट फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम अपॉन लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमको उसकी चौड़ाई देखो, ऊंचाई चौड़ाई, ये हमने ऊंचाई निकाली, हमको चौड़ाई निकालनी है, तो अब वॉल्यूम अपॉन आयतन अपॉन डिवाइड करना लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमको कमरों के चारों दीवार का क्षेत्र बताना है, तो टू एच इंटू एल प्लस बी, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा सेट मैंने और लिया आपके फॉर्मूले का, वो फटाफट देखेंगे प्रॉफिट लॉस से है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, लाभ निकालने को आए। हानि बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, दो पॉइंट। तीसरा है लाभ परसेंट अगर निकालना है, तो लाभ क्रय मूल्य गुणे सौ। हानि परसेंट निकालना है, तो हानि क्रय मूल्य गुणे सौ। विक्रय मूल फाइंड करना है आपको सेलिंग प्राइस, तो क्रय मूल माइनस हनी, सॉरी हानि, हनी नहीं हानि। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है, अगर कॉस्ट प्राइस आपको बताना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस लाभ। तो ये भी आपका प्रॉफिट लॉस से कभी कभी प्रश्न बने हैं, हर साल रेगुलरिटी के साथ नहीं बने हैं। अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे सूत्र फिलहाल के लिए लिए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, और सारे सूत्र उसमें आ गए जो मैंने आपको अभी तक के लिए यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगर आज की क्लास पसंद आई है, चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाए, इसलिए लिखने के लिए मत परेशान होना कोई भी। ये वीडियो आप मल्टीपल टाइम एक दो बार देख लो, एक दो बार ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फॉर्मूले आप अपने टेलीग्राम से नोट डाउन कर लें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो बताइएगा। कोशिश, अगर आप लोगों से कोई बच्चा अगर नया आ रहा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखा है, तो वो मैथ डेली लगाएं, 3 से 4 घंटे मैथ लगाएं। सारे सब्जेक्ट अगर बुक्स है तो उससे पढ़ लें, पीछे का क्वेश्चन आंसर वो कर लें, सीरीज से जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो कर लें, अदरवाइज तो नोट्स वगैरह जाकर ले लें, ताकि उनके और सारे सब्जेक्ट वैसे तैयार हो जाए उसको पढ़ करके, और आप मैथ डेली खुद लगा कर लीजिए। तो 1 महीने में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अब जो भी चीज़ें होंगी, 15 दिन पहले डेट आती है एग्जाम की, जैसे डेट आएगी हम आपको पहले टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, देखेंगे नई सारी चीज़ें पढ़ेंगे जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।